दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में। दोस्तों आपको पता होगा कि एयरटेल पेमेंट बैंक क्या होता है। दोस्तों यदि आपके पास कोई भी फोन पे गूगल पे बनाना पड़ता है तो आपको कोई अकाउंट की जरूरत पड़ती है और अकाउंट के साथ साथ आपको एक आपका एटीएम कार्ड की जरूरत पड़ती है, डेबिट कार्ड की, तब जाकर आपका एक फ़ोन पे या गूगल पे क्रिएट होता है। तो बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं या बंदे हैं जो लड़के हैं वो अपना नहीं ओपन करवा पाते हैं और ना ही फ़ोन पे चला पाते हैं और अपने पिता का आईडी लगाते हैं। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वो अपना एयरटेल पेमेंट बैंक कैसे ओपन कर सकते हैं और कैसे अपना फ़ोन पे गूगल पे भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक यहाँ पर मेरे सामने आपके सामने स्वयं है 441 रुपये बैलेंस एयरटेल पेमेंट बैंक में। तो मैंने बताया कि एयरटेल पेमेंट बैंक कैसे ओपन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप फोन पे में भी ऐड कर सकते हैं, यही नंबर गूगल पे में ऐड कर सकते हैं और उसके बाद एयरटेल पेमेंट बैंक हर जगह आपका वर्क करता है। इसमें आप देख सकते हैं एक आपको डेबिट कार्ड भी मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड, जिसके माध्यम से आपका जो है कहीं भी मास्टर कार्ड है कहीं पर भी पेमेंट कटा सकते हैं। इसको एटीएम कार्ड भी आप बोल सकते हैं, डेबिट कार्ड। तो ये बहुत अच्छी खबर है एयरटेल पेमेंट बैंक आप कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको केवल आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। अब ये कहाँ ओपन होगा, कितना पैसा लगेगा ये भी बताऊंगा। उसके पहले इसकी खास बात को जानना जरूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस प्रकार से एयरटेल पेमेंट बैंक में आप एड मनी कर सकते हैं, पैसा जोड़ सकते हैं और यहाँ किसी को आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं एड मनी से फ़ोन नंबर पर या कहीं भी, और स्कैन कर भी आप पैसा सेंड कर सकते हैं। यहाँ से आप रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ से आप रिचार्ज कर सकते हैं, पे बिल कर सकते हैं, इंश्योरेंस कर सकते हैं, गेट लोन भी प्राप्त कर सकते हैं, मनी भी भेज सकते हैं और 20% आपको रिचार्ज यदि इलेक्ट्रिक बिल करते हैं तो मिलता है, 100% ट्रेन का बुकिंग करते हैं तो मिलता है, टिकट करते हैं तो, इंश्योरेंस भी है, सारी व्यवस्थाएँ हैं, रिचार्ज का भी सारा ऑप्शन है। तो दोस्तों ये एयरटेल पेमेंट बैंक एयरटेल थैंक्स ऐप के नाम से आता है, उसको आप प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर से इंस्टॉल करने के बाद एयरटेल थैंक्स ऐप को आपको आना है, सर्विसेज के बगल में बैंकिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो आप लाइव प्रूफ देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसको आपको ओपन करने के लिए जिसको अथॉरिटी रहती है, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसको ओपन करने के लिए आपको नजदीकी अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना पड़ेगा, जो बायोमेट्रिक द्वारा आपके पास केवल आधार कार्ड रहेगा और एयरटेल का सिम कार्ड रहेगा, आपकी उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। तो एयरटेल पेमेंट बैंक मात्र 5 मिनट में आपका ओपन कर देंगे। उसके बाद आप इस एयरटेल पेमेंट बैंक को कहीं भी यूज कर सकते हैं और किसी भी रिचार्ज कर सकते हैं, किसी को पैसा भेज सकते हैं, सारी व्यवस्थाएँ आप कर सकते हैं जिस प्रकार से फ़ोन पे गूगल पे वर्क करता है। तो इस प्रकार से आप अपना एयरटेल पेमेंट बैंक नज़दीकी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर मात्र 50 रुपये में ओपन करवा सकते हैं। ओनली 50 रुपये लगेगा और 5 मिनट का वक्त लगेगा, बिल्कुल 100% आपका एयरटेल थैंक्स ऐप यानी एयरटेल पेमेंट बैंक आपका ओपन हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिएगा रेगुलर वीडियो पाने के लिए।